दोस्तों आज की कहानी दिल्ली के दक्षिण में लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित मेवात की है। अरावली पर्वत के फुटहिल्स में ये जगह लगातार मीडिया की नजरों में बनी हुई है, लेकिन गलत कारणों के लिए। ये कारण है साइबर क्राइम। 2020 में नेटफ्लिक्स पर एक टीवी सीरीज लॉन्च हुई थी जिसका नाम था जामतारा, सबका नंबर आएगा। ये सीरीज शायद आपने देखी होगी, अगर नहीं तो रियल इवेंट से इंस्पायर्ड इस कहानी को हम ब्रीफली बता देते हैं। दोस्तों जामताड़ा झारखंड में लोकेटेड एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जो साइबर क्राइम का हॉटस्पॉट बन गया। आज देश के छोटे छोटे गांव में सड़क भले ना पहुंची हो, लेकिन इंटरनेट और स्मार्टफोन्स पहुंच गए हैं और लोग इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया से लेकर बैंकिंग सर्विसेज तक यूज करने लगे हैं। लेकिन ये इंटरनेट रिवॉल्यूशन अपने साथ कई खतरे भी लेकर आया है और साइबर क्राइम ऐसा ही एक खतरा है। NCRB के हिसाब से पिछले दशक में इंटरनेट बेस्ड फ्रॉड्स, स्कैम्स और क्राइम्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 2019 से 2021 के बीच इंडिया में लगभग 3 लाख साइबर क्राइम्स रिपोर्ट हुए और साइबर क्राइम से शायद ही आज कोई अछूता है। गरीब हो या अमीर, नेता हो या जज, हर तरह के लोगों ने ऐसे साइबर क्राइम्स और साइबर फ्रॉड्स को रिपोर्ट किया है। खैर 2015 से 2017 के बीच देश भर में रिपोर्ट हुए कई साइबर क्राइम्स की जब छानबीन हुई तो उसके तार झारखंड में जामताड़ा तक पहुंचे। 2 साल के स्पैन में लगभग 12 राज्यों के पुलिस ऑफिसर्स साइबर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने जब जामताड़ा पहुंचे तो वो शॉक्ड थे। उन्हें पता चला कि देश के 80% साइबर क्राइम्स जामताड़ा से हो रहे थे। और तो और इन क्राइम्स में इन्वॉल्व लोगों ने फ्रॉड के पैसे से इस बैकवर्ड एरिया में कई फैंसी बंगलोज और SUVs एक्वायर कर ली हैं। फिर क्या, जामताड़ा को इंडिया का साइबर क्राइम कैपिटल बता दिया गया। लेकिन दोस्तों जामताड़ा का मेवात से क्या रिश्ता है? रिश्ता है, क्योंकि शायद आज मेवात ने जामताड़ा को भी साइबर क्राइम्स में पीछे छोड़ दिया है। इसलिए आज की कहानी मेवात के नाम, जो हरियाणा, राजस्थान और UP के ट्राई जंक्शन पर लोकेटेड है। आज हम इस रीजन में साइबर क्राइम की शुरुआत, उसके नेचर और उसके कारणों को डिकोड करते हुए आपको ये भी बताएंगे कि आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके चलते मेवात ही ऐसे क्राइम्स का नया जामताड़ा बना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों मेवात मालवा या बुंदेलखंड जैसा एक रीजन है जो यूपी, हरियाणा और राजस्थान में फैला हुआ है। इसकी बाउंड्रीज हरियाणा के नूह, राजस्थान के अलवर और यूपी के मथुरा से जुड़ी हुई है। हरियाणा के नूह डिस्ट्रिक्ट का नाम पहले मेवात था, जिसे 2016 में बदल दिया गया। मेवात या नूह डिस्ट्रिक्ट के 2 गांव जमालगढ़ और नाई से रिलेटेड पुलिस के पास 400 से ज्यादा साइबर क्राइम्स के FIR हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि नाई और जमालगढ़ यहाँ के साइबर क्राइम के एपिसेंटर्स हैं, पर धीरे धीरे बाकी विलेजेस का नाम भी सामने आ रहा है। इस रीजन का ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम पहली बार स्पॉटलाइट में कोविड के टाइम आया, जब लॉकडाउन के चलते साइबर क्राइम्स में बढ़ोतरी हुई। इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से 400 से ज्यादा साइबर क्राइम FIRs के सस्पेक्ट मेनली मेवात के विलेजेस से हैं। पुलिस ने कई एक्यूज्ड को अरेस्ट भी किया और ट्रायल पेंडिंग है। खैर ये क्राइम एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क के थ्रू होता है। फेक डॉक्यूमेंट पर सिम कार्ड अरेंज करने वालों से लेकर सिम कार्ड्स देने वाले दुकानदार और फ्रॉड कॉल्स और मेल करने वालों तक सबका शेयर फिक्स है। लोगों और पुलिस के ट्रेसिंग से बचने के लिए ये काम गांव के आसपास के जंगल से होता है। पुलिस ऑफिसर्स बताते हैं कि जामताड़ा की तरह यहाँ भी बिना किसी लेजिटमेट सोर्स ऑफ इनकम के मल्टी स्टोरी हाउसेस और महंगी कार्स दिख जाएंगी। कोविड लॉकडाउन के वक्त तो यहाँ के साइबर गैंग्स ने करोड़ों रुपए फ्रॉड से कलेक्ट किए। चलिए अब देखते हैं यहाँ के साइबर गैंग्स के मॉडस ऑपरेंडी को। दोस्तों मॉडस ऑपरेंडी की बात करें तो मेवात के साइबर क्राइम्स का मेन तरीका फिशिंग है। फिशिंग टेक्निक के तहत लोगों को फ्रॉड मेल्स, मैसेजेस या कॉल्स ऐसे किए जाते हैं कि लोगों को इनका सोर्स जेन्युइन लगे। ऐसे फिशिंग मैसेजेस या कॉल्स के थ्रू क्रिमिनल्स लोगों की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, लॉगिन इन्फॉर्मेशन और OTPs ले लेते हैं और उनके बैंक से पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। मॉडस ऑपरेंडी के ब्रॉडली 3 कैटेगरीज हैं, थ्रेट, इंड्यूसमेंट या लालच और इम्पर्सोनेशन। थ्रेट्स कई तरीके के हैं। एक थ्रेट में साइबर क्रिमिनल्स स्केरी मैसेजेस या कॉल्स करते हैं और कहते हैं कि अगर आपने OTP या कार्ड डिटेल्स नहीं दी तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा या फिर पेनालिटी लगेगी। लोग पैनिक में OTPs या बाकी डिटेल्स बता देते हैं और उनके अकाउंट खाली हो जाते हैं। एक और तरीके के थ्रेट में क्रिमिनल्स फेक प्रोफाइल से वीडियो कॉल्स कर कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं
और वीडियो एडिट कर उसमें पोर्नोग्राफिक कंटेंट ऐड कर देते हैं और फिर उनसे रैंसम मांगते हैं। इंड्यूसमेंट की बात करें तो उसमें क्रिमिनल्स कई तरह से लालच देकर लोगों को चीट करते हैं। सस्ते में फॉरेन ट्रिप, फ्री स्टे इन होटल्स, सस्ते में महंगे आइटम्स, ओएलएक्स पर बेचना और कैशबैक्स या लॉटरी इस टैक्टिक्स का हिस्सा है। दिल्ली सीएम की बेटी हर्षिता केजरीवाल के साथ ऐसा ही एक स्कैम हुआ जब वो ओएलएक्स पर कुछ सामान बेचना चाहती थी। पुलिस का सस्पेशन है कि मेवात के एक कॉनमैन ने बायर बनके उन्हें कॉल किया और क्यूआर कोड इंस्टेंट पेमेंट के लिए भेजकर उनके अकाउंट से 34,000 रुपए डेबिट कर लिए। तीसरा तरीका है इम्पर्सोनेशन या आइडेंटिटी थेफ्ट। इसके तहत क्रिमिनल्स अपने टारगेट्स को सोशल मीडिया पर आइडेंटिफाई कर उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और उनके दोस्तों और रिलेटिव्स की डिटेल्स लेते हैं। चेन्नई पुलिस ने कुछ ऐसे क्रिमिनल्स को ट्रैक किया जिन्होंने एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर महेश कुमार अग्रवाल का फेक अकाउंट बनाकर लोगों को चीट किया था। 2020 में 2 दर्जन और आईपीएस ऑफिसर्स के साथ ऐसा हुआ था जो तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्रा से थे। इन आईपीएस ऑफिसर्स की फेक प्रोफाइल को यूज कर क्रिमिनल्स ने कोविड के वक्त मेडिकल इमरजेंसीज के नाम पर पैसे वसूले। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इसके तार मेवात रीजन के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचे। इस मामले में शकील खान नाम का व्यक्ति अरेस्ट भी हुआ। इम्पर्सोनेशन का इस्तेमाल ओएलएक्स स्कैम में भी होता है। गूगल में इजीली आइडेंटिटी कार्ड्स जैसे आधार या पैन कार्ड्स मिलते हैं जिनका यूज कर क्रिमिनल्स विक्टिम का ट्रस्ट गेन करते हैं और फिर उनसे पैसे ठगते हैं। गूगल का इस्तेमाल वो टारगेट्स के नंबर निकालने के लिए भी करते हैं और कई बार तो एक ही सीरीज के रैंडम नंबर्स डायल करते हैं। मॉडस ऑपरेंडी में ये साइबर क्रिमिनल्स सिम्स को असम, उड़ीसा जैसे स्टेट से बल्क में मंगवाते हैं ताकि उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो। इसके अलावा ये भी कोशिश रहती है कि क्राइम की लोकेशन क्रिमिनल की रियल लोकेशन से अलग हो ताकि ट्रेसिबिलिटी कम हो। ऐसे में मेवात का 3 स्टेट के ट्राइजेंशन में लोकेशन क्रिमिनल के लिए वरदान है। राजस्थान के गांव का क्रिमिनल कुछ किलोमीटर जाकर हरियाणा पहुंच जाता है और वहां क्राइम कमिट कर घर वापसी आ जाता है। इसके अलावा साइबर क्रिमिनल्स टारगेट्स को भी दूर दराज के स्टेट से चूज करते हैं जैसे उत्तराखंड, तमिलनाडु या कर्नाटका। पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है और इसलिए ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को पार कर जब पुलिस क्राइम लोकेशन पर पहुंचती है तब तक आरोपी पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। ट्रेसिबिलिटी इसलिए भी मुश्किल हो जाती है क्योंकि ये क्रिमिनल्स पर्सनल फोन्स भी नहीं रखते। अब देखते हैं मेवात में क्राइम्स के इतिहास को। दोस्तों, मेवात में साइबर क्राइम्स की शुरुआत 10 साल पहले हुई जब एटीएम कार्ड्स यहां पहुंचे। 2-3 फैमिलीज से शुरू हुए ये एटीएम फ्रॉड आज मेवात के कुछ विलेजेस में मास साइकोसिस बन गया है जहां 1-2 नहीं बल्कि कई परिवार इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं। लेकिन मेवात में क्राइम का इतिहास नया नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से यहां फ्रॉड्स लेट 90s में शुरू हुए। लोकल भाषा में इसे ततलूबाजी कहते हैं। 90s में यहाँ के क्रिमिनल्स लोगों को फेक गोल्ड ब्रिक्स बेचकर धोखाधड़ी करते थे। इसके अलावा साइबर क्राइम हॉटस्पॉट बनने के पहले यहाँ कई क्रिमिनल गैंग्स का भी बोलबाला था। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि यहाँ लगभग 100 गैंग्स ऑपरेट करती थीं, जिनमें से कुछ रेडिकलाइज्ड और नोटोरियस क्रिमिनल को 2014 में अरेस्ट भी किया गया था। इनमें सस्पेक्टेड अलकायदा ऑपरेटिव अब्दुल समी और लश्कर ए तैयबा का सस्पेक्टेड ऑपरेटिव अब्दुल सुबहन शामिल थे। इनके अलावा मेवाती गैंग्स यहाँ डकैती और चोरी चकारी भी करते थे। इन्फॉर्मेशन बताती है कि मेवात में क्राइम नया नहीं है, बस क्राइम का नेचर इंटरनेट के दौर में बदल गया है। मेवात में क्राइम का इतिहास बताता है कि क्राइम के पीछे कोई लार्जर सोशियोलॉजिकल फिनोमिनन है जिस पर ध्यान देना होगा। तो चलिए डिकोड करते हैं मेवात में क्राइम्स के कारणों को। दोस्तों, सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट मैकटोन ने 1938 में डिवियंस की थ्योरी दी जिसका इस्तेमाल क्रिमिनल बिहेवियर को समझने में होता है। मैकटोन की यह थ्योरी मेवात ही नहीं बल्कि जामताड़ा के क्राइम पैटर्न्स को समझने में भी मदद करती है। मैकटोन की डिवियंस थ्योरी के हिसाब से एक इंसान लीगल रास्तों को छोड़कर क्रिमिनल तब बनता है जब उसके एम्बिशंस बड़े हों लेकिन उन्हें अचीव करने के लीगल रास्ते बंद हों। उदाहरण के तौर पर, अगर आप जीवन में खूब सारा पैसे कमाकर अच्छा जीवन जीना चाहते हैं लेकिन इसके लिए आपके पास ना तो एडुकेशन है, ना स्किल है और ना ही पैसा, तो आपके क्रिमिनल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैकटोन ये बिल्कुल नहीं कहते कि क्राइम पढ़े लिखे लोग या अमीर लोग नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ ये कहते हैं कि पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन और समाज से एलिनेशन ज़्यादातर क्राइम्स के कारण है। मेवाती क्राइम का कारण भी इस थ्योरी से मिलता है।
नीति आयोग के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट लिस्ट 2018 में मेवात नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली और बस्तर से भी पीछे है। हिस्टोरिकली यहाँ लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन और गवर्नेंस फेलियर्स चरम पर रहा। LPG रिफॉर्म के बाद जब मेवात के आसपास गुड़गांव, नोएडा और फरीदाबाद जैसे शहर इमर्ज हुए तो मेवाती यूथ के एस्पिरेशंस भी बढ़े, पर लैक ऑफ एजुकेशन और वेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के चलते उन्होंने इलीगल और शॉर्टकट रूट्स लिए। कांग्रेस MLA मोहम्मद इलियास भी यहाँ के क्राइम का मेन कारण इलिटरेसी और पॉवर्टी को मानते हैं। कुछ क्रिमिनल्स कोविड के पहले ट्रक ड्राइवर्स और बाकी लो पेइंग जॉब्स में थे, पर लॉकडाउन के चलते जॉब लॉस हुआ और वो साइबर क्राइम में घुस गए। सर्वाइवल का थ्रेट भी लोगों को क्राइम की तरफ ढकेल सकता है। खैर, ये भी ध्यान देना जरूरी है कि साइबर क्राइम टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसलिए इसमें इन्वॉल्व सभी लोग अनएजुकेटेड नहीं होते। यहाँ भी डिवियंस थ्योरी काम आती है। आज हमारा देश इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है और कोविड पैंडमिक से अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुआ है। पुअर क्वालिटी एजुकेशन, लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी और लैक ऑफ वेल पेड एम्प्लॉयमेंट के चलते मेवात में कुछ ऐसे यंगस्टर्स भी हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग जैसे डिग्रीज तो ली लेकिन पुअरली पेड जॉब्स करने के लिए वो मजबूर थे। बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ पढ़े लिखे यूथ भी साइबर क्राइम्स के सरगना बन गए। ये यूथ चेंजिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को चेंज करते हैं ताकि नए नए फ्रॉड्स किए जा सकें। ये पढ़े लिखे इंडिविजुअल्स अनएजुकेटेड लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं। खैर, मेवात में राइजिंग क्राइम का एक कारण पुअर डिटेरेंस भी है जो लैक ऑफ इफेक्टिव पुलिसिंग के चलते है। फाइनेंशियल फ्रॉड एक बेलेबल ऑफेंस है, चाहे वो 420 हो या IT Act। क्रिमिनल सोचते हैं कि उन्हें इजिली बेल मिल जाएगी और इसलिए वो डरते नहीं। इसके अलावा FIR रजिस्टर करने में भी यहाँ कई बार सालों लग जाते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से 2 कंप्लेंट्स 1 साल तक रजिस्टर नहीं हुई, जिसके बाद विक्टिम्स ने DGP को लेटर लिखा। इस तरह के क्राइम्स का इन्वेस्टिगेशन भी कठिन है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की पावर इंस्पेक्टर करता है। द मिंट के हिसाब से आज देश में केवल 144 पुलिस पर्सनल पर लाख लोगों में है, जो पुलिसिंग में सीवियर पर्सनल शॉर्टेज दिखाता है। ऊपर से इंस्पेक्टर्स विलेजेस में नहीं, टाउन या तहसील में होते हैं। क्राइम की संख्या ज्यादा है लेकिन उन्हें इन्वेस्टिगेट करने वाले ऑफिसर्स की संख्या कम। ऐसे में इनएफिशिएंट इन्वेस्टिगेशंस क्रिमिनल्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हैं। अगला कारण हमें इमिटेशन थ्योरी में मिलता है, जिसके चलते यहाँ का क्राइम कम्युनिटी लेवल पर पहुंच गया है। इमिटेशन का मतलब है कॉपी करना। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि कुछ एक्यूज दावा करते हैं कि इन विलेजेस में 95% यूथ आज साइबर क्राइम नेटवर्क के पार्ट हैं, यानी कि मेवात में साइबर क्राइम कम्युनिटी लेवल पर होता है। इसमें कई फैमिलीज इन्वॉल्व हैं। इसका एक रीज़न ये है कि जब तक एक यूथ अपने क्रिमिनल पड़ोसियों को शॉर्टकट से अमीर होते देखता है तो वो भी ऐसे क्राइम्स में घुस जाता है। ये इमिटेशन मास साइकोसिस को जन्म देता है और धीरे धीरे पूरा गांव चपेट में आ जाता है। कम्युनिटी लेवल पर क्राइम का फैलना पुलिसिंग को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है और एक विशियस साइकिल को जन्म देता है। जब कई लोग ऐसे क्रिमिनल नेटवर्क से जुड़े हों तो पुलिस के लिए गवाह और सबूत इकट्ठा करना काफ़ी डिफिकल्ट है। कई केसेस में यहाँ के लोगों ने मिलकर पुलिस को फायर आर्म्स या स्टोन से अटैक किया है जब वो इन्वेस्टिगेशन या रेड्स के लिए जाते हैं। रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट भी यहाँ जाने से डरते हैं। कई रिपोर्टर्स बताते हैं कि इन गाँव में एक ऑर्गेनाइज सर्विलेंस भी होता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे दूरबीन लेकर गाँव में आने वाले व्हीकल्स को मॉनिटर करते हैं। नंबर प्लेट से वो पता करते हैं कि व्हीकल्स पुलिस की तो नहीं है, और ऐसा होने पर वो इमिडिएटली क्रिमिनल्स को आगाह कर देते हैं। यहाँ साइबर क्राइम के पनपने का एक जियोग्राफिकल कारण भी है, क्योंकि मेवात 3 स्टेट के जंक्शन में है, इसलिए एक स्टेट के लोग इजिली बॉर्डरिंग स्टेट के गांव में जाकर फेक कॉल्स करते हैं। वो अपने टारगेट्स भी दूर के स्टेट से चुनते हैं। ऐसे में पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के चलते काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर क्राइम चेन्नई में होगा तो FIR तमिलनाडु में रजिस्टर होगा और फिर तमिलनाडु पुलिस को हरियाणा पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर इन्वेस्टिगेशन करना होगा। ये सब इन्वेस्टिगेशन को कॉम्प्लिकेट कर देता है। ऊपर से ऑनलाइन फ्रॉड खुद एक कॉम्प्लेक्स और फ्रेगमेंटेड नेटवर्क में होता है। ऑनलाइन फ्रॉड में टेलीकॉम ऑपरेटर, बैंक, इंटरनेट ऑपरेटर, ई वॉलेट कंपनी, पेमेंट गेटवे एक्सेट्रा के साथ पुलिस को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ऐसे में इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस और डिले हो जाता है। सुपर फास्ट टेक्नोलॉजी के चलते जब तक पुलिस बैंक से चोरी हुए पैसे की डिटेल्स निकालती है, तब तक वो पैसा मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स के थ्रू क्रिमिनल्स के हाथ में पहुंच जाता है। आजकल तो ये क्रिमिनल्स स्टोलन मनी को क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट करने लगे हैं, जो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स कहानी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मेवात के साइबर गैंग्स की। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है?
पर सरकार कौन से स्टेप्स लेके इन क्राइम्स को रोक सकती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।